ओके, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब हम एसी अप्लाई करते हैं एक आरएलसी सीरीज सर्किट के अक्रॉस, तो क्या होता है। तो हमने ये ग्राफ बनाया था कि जो वोल्टेज आर के अक्रॉस होती है उसका फेजर ऐसे होता है, और VL माइनस VC ऐसे ऊपर की तरफ होता है। तो इनका जो रिजल्टेंट वोल्टेज होती है RLC सीरीज सर्किट के अक्रॉस, उसको ये थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसी पे बेस मैं आपको एक नई चीज बता रहा हूँ, जिसे कहते हैं पावर फैक्टर। किसी भी AC सर्किट में पावर फैक्टर को कॉस ऑफ फाई से मेजर करते हैं। कॉस ऑफ फाई यहाँ पर एंगल है फाई बिटवीन द रिजल्टेंट वोल्टेज एंड द करंट। तो आपको पता है कि करंट वहीं जाता है जहाँ वोल्टेज अक्रॉस आर होती है, और रिजल्टेंट वोल्टेज ये हाइपोटेन्यूज के अलोंग जा रही है। तो पावर फैक्टर क्या होता है, द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट वोल्टेज एंड द करंट व्हेन मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कॉस फाई इज कॉल्ड इट्स पावर फैक्टर। राइट, तो ये तो पावर फैक्टर क्या होता है या इसे कैसे मेजर करते हैं। अब हम इसकी इम्पोर्टेंस, जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा तो आपको इसकी इम्पोर्टेंस भी पता लगेगी कि एग्जैक्टली पावर फैक्टर का क्या यूज है। नाउ अगर हम ये ट्रायंगल देखें, तो इस जो ये ट्रायंगल बन रही है वोल्टेजेस की, तो कॉस फाई को हम लिख सकते हैं वी आर बाई वी, क्योंकि जो वोल्टेज अक्रॉस आ रहा है वो इस राइट एंगल ट्रायंगल की बेस साइड है, और रिजल्टेंट वोल्टेज हाइपोटेन्यूज है। तो हम कॉस फाई को वी आर बाय वी भी लिख सकते हैं। अब अगर हम इस पे ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं, तो कॉस फाई आई इंटू आर होता है, और रिजल्टेंट वोल्टेज आई इंटू जेड होता है। मैंने जेड के बारे में लास्ट क्लास में बताया था, जेड इज द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। तो जेड इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट है, यानी कि जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है आर एल और सी का। अब आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो पावर फैक्टर को हम आर बाय जेड का रेशो भी ले सकते हैं, द रेजिस्टेंस एंड द इम्पीडेंस रेशो। सो दिस इज कॉल्ड द पावर फैक्टर। अब इस पावर फैक्टर को हम कैसे यूज करते हैं। पावर कंज्यूम बाय अ सर्किट। अब एक सर्किट कितनी पावर कंज्यूम करता है, उसका एक फार्मूला होता है, ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। राइट, इसमें जो पी है वो ट्रू पावर कहलाती है, जो ट्रू पावर वो कंज्यूम कर रहा है। ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस का प्रोडक्ट अपेरेंट पावर कहलाती है, और कॉस फाई तो मैंने अभी बताया पावर फैक्टर। इसका मतलब कि जो ट्रू पावर कंज्यूम बाय सर्किट होती है वो पावर फैक्टर पे डिपेंड करती है। राइट, अब इसकी फर्दर इम्पोर्टेंस देखते हैं। फॉर अ प्योर कॉयल और अ प्योर कैपेसिटर, मान लो एक इलेक्ट्रिक सर्किट में सिर्फ प्योर कॉयल है या एक प्योर कैपेसिटर है,
तो एक प्योर कॉइल या प्योर कैपेसिटर में फाई 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्योर कॉइल या प्योर कैपेसिटर में इधर करंट लैक्स ईएमएफ बाय पाई बाय टू और करंट लीड ईएमएफ बाय पाई बाय टू। अब हमें पता है कि एक प्योर कॉइल में या तो वो करंट जो है वो वोल्टेज से पीछे चलता है पाई बाय टू एंगल से, या करंट आगे चलता है वोल्टेज से पाई बाय टू पे कैपेसिटर के केस में। तो देयर फोर कॉस फाई को हम कॉस 90 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि फाई 90 हो गया यानी कि जीरो, तो इसका पावर फैक्टर जीरो हो गया। सो ट्रू पावर जो ये कंज्यूम करेगा वो जीरो ही आ जाएगी, क्योंकि ये हो जाएगा ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री जीरो होता है। तो इसका मतलब एक प्योर कॉयल या एक प्योर कैपेसिटर बिल्कुल भी पावर कंज्यूम नहीं करते हैं, और ऐसे डिवाइसेस को हम वॉटलेस डिवाइसेस कहते हैं। सच डिवाइसेस आर कॉल्ड वॉटलेस डिवाइसेस। तो ये 1 मार्क में पूछ लेता है व्हाट आर वॉटलेस डिवाइसेस, तो आपको पता होना चाहिए कि एक प्योर कॉयल या प्योर कैपेसिटर वॉटलेस डिवाइसेस हैं, क्योंकि ये जो जब इनमें से करंट फ्लो होता है तो ये उस करंट को फ्लो होने में बिल्कुल भी उसको मतलब उनकी पावर को यूज नहीं करते हैं, कंज्यूम नहीं करते हैं, तो ये वॉटलेस डिवाइसेस कहलाते हैं। राइट, तो ये थोड़ा सा वॉटलेस डिवाइसेस के बारे में पता होना चाहिए। लेट अस मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक। इस चैप्टर के लास्ट में हमने दो डिवाइसेस, उनकी वर्किंग, उनका प्रिंसिपल, वो सब स्टडी करना है। तो पहला जो डिवाइस हम पढ़ने जा रहे हैं उसे एसी जनरेटर बोलते हैं। हाँ जी, एसी जनरेटर क्या होता है? तो एसी जनरेटर ऑफ कोर्स वो डिवाइस है जो बिजली को बनाता है, एसी बिजली को बनाता है। तो एसी जनरेटर को हम क्या कहेंगे? इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट मैकेनिकल पावर ऑफ फ्लोइंग वाटर इंटू द इलेक्ट्रिक पावर और एसी जनरेशन। हम बिजली को बनाते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट को पैदा करते हैं। तो ऐसे डिवाइस को हम क्या कहते हैं? एसी जनरेटर। तो वेरी लार्ज साइज एसी जनरेटर्स आर सेटअप इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस बाय बिल्डिंग डैम्स। तो आप सबको पता है कि डैम्स में स्टोर्ड वाटर एनर्जी को जब फॉल किया जाता है इन एसी जनरेटर पे तो बिजली पैदा होती है। राइट, तो ये एसी जनरेटर होता है प्रिंसिपल। ये किस प्रिंसिपल पे बेस होते हैं? दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन ए कॉइल कॉन्टिन्यूसली रोटेट्स
इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस एंड हेंस इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड. So we can say it is based on law of electromagnetic induction. तो ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस है, राइट? कि एक कॉयल को लगातार घुमाया जाएगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखकर, ऑफ कोर्स वाटर की काइनेटिक एनर्जी से, और उससे उसके साथ जो लिंक फ्लक्स है वो लगातार चेंज होता रहेगा और बिजली पैदा होती रहेगी. तो इसका सेटअप और वर्किंग देखते हैं कि इसके अंदर एग्जैक्टली क्या बेसिक सेटअप होता है और कैसे ये काम करता है. तो इसके सेटअप में क्या होता है कि एक रेक्टेंगुलर कॉयल होती है. तो हम इसका डायग्राम बनाते हैं. तो इसके अंदर एक रेक्टेंगुलर ऐसे कॉयल होती है. जनरली इस कॉयल को एक रेक्टेंगुलर फ्रेम पे वाउंड किया होता है जिसे हम आर्मेचर बोलते हैं. तो ऐसे एक रेक्टेंगुलर कॉयल होती है जिसके दोनों एंड्स दो स्लिप रिंग्स के साथ जुड़े तो नहीं होते हैं बट रब कर रहे होते हैं. तो एक एंड एक रिंग से रब कर रहा होता है और दूसरा एंड दूसरे रिंग से ऐसे कांटेक्ट में रहता है लेकिन जुड़ा नहीं होता, रबिंग हो रही होती है. इन स्लिप रिंग्स का फर्दर कांटेक्ट दो कार्बन ब्रशेस से होता है. तो ये मैंने दो स्लिप रिंग्स दिखाए हैं S1 S2 और दो कार्बन ब्रशेस दिखाए हैं B1 B2. अब इन कार्बन ब्रशेस के थ्रू दो वायर्स एक लोड रेजिस्टेंस को जाती हैं जिस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम आउटपुट पावर को ऑब्टेन करते हैं. तो ये हमने एक लोड रेजिस्टेंस दिखा दिया और इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें आउटपुट एसी पावर मिलेगी. ये आर्मेचर अपने सेंट्रल एक्सिस के अराउंड घूम सकता है. तो ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन बन गया और इस कॉयल को हमें रखना पड़ेगा एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर. तो ये हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिखा देते हैं मैग्नेट की फॉर्म में. ये इस एंड पे नॉर्थ पोल है मैग्नेट का और दूसरे एंड पे साउथ पोल हो जाता है. तो आप डायग्राम में देख सकते हो इसके बेसिक पार्ट्स क्या हैं. सो दिस कॉयल हैज एन एक्सिस ऑफ रोटेशन जहां पर ये कॉयल एक आर्मेचर पे बाउंड करके घूमेगी, राइट, बाय द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर. तो पानी को इस आर्मेचर के जस्ट लाइक फैन का ब्लेड की तरह होता है, इस ब्लेड के ऊपर ऐसे गिरा जाता है. तो उसकी ताकत से ये कॉयल लगातार एक ही यूनि डायरेक्शनल में घूमती रहती है और उसके घूमने से जो है वो बिजली पैदा होती रहती है. तो S1 S2 यहाँ पर हमारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्लिप रिंग्स. स्लिप रिंग्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वायर्स के कॉन्टेक्ट में जुड़े नहीं हुए हैं, स्लिप कर रही है वायर इसके ऊपर, जस्ट रब कर रही है. अगर जोड़ देंगे तो ये वायर इंटेंगल्ड हो जाएगी. जब ये घूमेगी तो ऐसे उसमें इंटेंगल्ड मतलब वट पड़ने शुरू हो जाएंगे
और वो सारा मैकेनिज्म रुक जाएगा थोड़े ही समय में। तो इसीलिए स्लिप करना है रिंग्स पे वायर के कॉन्टेक्ट को, और B1 B2 कार्बन ब्रशेज हैं जो अगेन स्लिप रिंग के साथ रब कर रहे हैं ताकि यहाँ से हमें आउटपुट करंट को दे सकें। और बाकी एक आर्मेचर कॉयल है वो भी नजर आ रहा है। तो इसकी वर्किंग में हम लिख सकते हैं एज द आर्मेचर कॉयल इज रोटेटेड कॉन्टिन्यूसली बाय द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर देयर इज अ कॉन्टिन्यूअस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स टेक्स प्लेस विद द कॉइल एंड देयर फोर EMF is induced in the coil. When the coil takes half the turn, the direction of करंट इंड्यूसेस रिवर्सेस देयरफॉर एन ऑल्टरनेटिंग करंट इज प्रोड्यूस्ड। तो ये इसकी समरी में एक वर्किंग है कि कॉइल लगातार घूमेगी, उसके घूमने से फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होगा, और कॉयल जब पूरा आधा टर्न ले लेगी तो करंट अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा। पहले फर्स्ट हाफ टर्न में करंट इधर जाएगा लेकिन सेकंड हाफ टर्न में करंट इधर से आएगा, तो करंट की डायरेक्शन जो आउटपुट मिलेगी वो रिवर्स होती रहेगी, मैग्नीट्यूड भी रिवर्स होता रहेगा। तो और आपको पता है कि जो EMF जिसमें करंट और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज होते रहते हैं उसे हम ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। अब हम इसके फार्मूले देखेंगे कि कितना EMF इंड्यूस होगा। नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल एट एनी टाइम टी विल बी, अब कितना मैग्नेटिक फ्लक्स कॉयल के साथ जुड़ा होगा पहले हम बेसिक फार्मूले से लिखते हैं, दैट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी डॉट ए। और जब हम बी डॉट ए को डॉट प्रोडक्ट को ओपन करते हैं तो उसे बी ए कॉस थीटा लिखते हैं। थीटा यहाँ पे एंगल बिटवीन बी एंड एरिया वेक्टर है और उसे हम ओमेगा में भी लिख सकते हैं क्योंकि ओमेगा इज थीटा बाय टू, तो थीटा को ओमेगा इंटू टी लिख सकते हैं, फेज एंगल ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। तो इतना फ्लक्स जुड़ा होगा कॉयल के साथ किसी भी टाइम पर बाय फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई। अब हमने फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी पढ़ा है कि अगर फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होता रहेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना प्रोड्यूस होगा, माइनस एन डी फाई बाय डी टी। तो हम इस एक्सप्रेशन में फाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो माइनस एन डी वाई डी टी ऑफ बी ए कॉस ओमेगा टी, क्योंकि हमने किसी भी टाइम पे फ्लक्स बी ए कॉस ओमेगा टी निकाला है, ये इक्वेशन 1 क्या देते हैं।
फ्रॉम इक्वेशन वन हमने फाई की वैल्यू यूज कर ली। अब बी ए कॉन्स्टेंट है क्योंकि ना तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ चेंज हो रही है टाइम के साथ, ना एरिया वेक्टर चेंज हो रहा है, सिर्फ एंगल चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो एंगल है जिसे हम कॉस ओमेगा टी में मेजर कर रहे हैं। तो ये डेरिवेटिव ऑफ कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। अब हमने प्लस वन में पढ़ा हुआ है कि जो डेरिवेटिव ऑफ कॉस ओमेगा टी है वो माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा हो जाता है। तो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ कॉस ओमेगा टी, दो माइनस साइन प्लस में बदल जाएंगे। ओमेगा को हम आगे लगा लेते हैं तो ये अभी तक हमारा फार्मूला आ गया कि जो इंड्यूस ईएमएफ कॉइल में प्रोड्यूस हो रहा है कॉइल के रोटेशन से वो बराबर हो जाएगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। इसे हम इक्वेशन टू कह देते हैं। फोर ई टू बी मैक्सिमम, अब मान लीजिए हम ईएमएफ की वैल्यू मैक्सिमम चाहते हैं ई नॉट, तो साइन ओमेगा टू शुड बी मैक्सिमम दैट इज प्लस वन। अब अगर हम ई को मैक्सिमम चाहते हैं तो साइन ओमेगा टी को भी मैक्सिमम होना पड़ेगा क्योंकि जो ईएमएफ है वो साइन ओमेगा टी पे डिपेंड करता है। टाइम के साथ सिर्फ साइन ओमेगा टी वेरी करेगा और किसी भी साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू प्लस वन होती है। तो हम इक्वेशन टू में ई को इसकी मैक्सिमम वैल्यू ई नोट लिख लेते हैं, कब, जब साइन ओमेगा टी प्लस वन होगा। इसका मतलब अगर हम ई को ई नोट लिखना चाहते हैं तो हमें साइन ओमेगा टी को प्लस वन लिखना पड़ेगा। तो एक तरह से हमें ये भी पता लग गया कि जो मैक्सिमम ईएमएफ बनेगा वो एन बी ए ओमेगा बनेगा। यूज दिस वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन थ्री इन इक्वेशन टू। तो हम इक्वेशन थ्री से जो रिजल्ट आया है कि एन बी ए ओमेगा को ई नॉट लिख सकते हैं, अगर हम इसको दोबारा से सेकंड इक्वेशन में यूज कर लें तो जो ईएमएफ ई एसी जनरेटर बना रहा है उसका अपना अलग से एक फार्मूला आ गया ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब आपको पता है ये वोल्टेज ऑफ एसी भी है, यानी कि ये जो बिजली पैदा कर रहा है वो एसी जनरेटर है, एसी बिजली बना रहा है जिसमें टाइम के साथ ईएमएफ की वैल्यू चेंज होगी मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में बोथ। तो मैग्नीट्यूड में भी चेंज हो रही है और डायरेक्शन में भी चेंज हो रही है। सो दिस इज द वर्किंग एंड एवरीथिंग एल्स रिलेटेड टू एन एसी जनरेटर। 5 मार्क्स में आ जाता है क्वेश्चन क्योंकि बड़ा टॉपिक है, तो एसी जनरेटर की कंप्लीट वर्किंग और ये सब कुछ आपको आना चाहिए। ओके, उसके बाद हम एक और डिवाइस स्टडी करेंगे जिसे ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफार्मर। तो ये ट्रांसफार्मर क्या डिवाइस होता है, कैसे काम करता है, ये सब हम स्टडी करेंगे। तो ट्रांसफार्मर पहले करता क्या है। इट इज अ डिवाइस यूज टू चेंज द एसी वोल्टेज अप और डाउन। तो हमें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एसी वोल्टेज की वैल्यू को कभी ऊपर या कभी नीचे करना पड़ता है। तो किसी भी एसी वोल्टेज की वैल्यू को अप और डाउन करने के लिए हम जो डिवाइस यूज करते हैं उसे हम एसी जनरेटर कहते हैं, राइट। तो इस सॉरी ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो इस ट्रांसफार्मर में क्या होता है वो हम पहले डायग्राम बनाकर समझते हैं। किसी भी ट्रांसफार्मर का अगर हम बेसिक डायग्राम बनाएं तो इसके अंदर एक प्राइमरी कॉइल होती है जिसको एक
इनपुट एसी सोर्स से जोड़ दिया जाता है, इसे इनपुट एसी सप्लाई दे दी जाती है, जिस इनपुट एसी की वैल्यू को हमें अप और डाउन करना है। अब जनरली ये प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल को एक ही कॉमन कोर पे वाउंड कर दिया जाता है, तो बीच में कॉमन कोर लेने के लिए जनरली हम जो मटेरियल यूज करते हैं वो सॉफ्ट आयरन कोर मटेरियल यूज करते हैं, क्योंकि एक फेरो मैग्नेटिक मटेरियल है तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज मैक्सिमम हो जाएगी, लगभग 99% और 100% हो जाएगी। और उस सेकेंडरी कॉयल को भी एक लोड रेजिस्टेंस से जोड़ देते हैं, जिसके अक्रॉस हम आउटपुट एसी वोल्टेज ऑब्टेन करते हैं, आउटपुट एसी ऑब्टेन करते हैं, राइट। तो ये इसका एक बेसिक सा डायग्राम है जिसमें आप देख पा रहे हो दो कॉयल्स हैं, वन इज द प्राइमरी कॉयल विच इज फीड टू एन इनपुट सोर्स एंड वन इज द सेकेंडरी कॉयल विच इज कनेक्टेड टू ए लोड रेजिस्टेंस टू गेट द आउटपुट एसी। अब सबसे पहले इसका प्रिंसिपल क्या है, यानी कि किस सिद्धांत पे ये काम करता है, तो ये सिंपल प्रिंसिपल पे बेस है। इट इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो मैंने पहले भी बताया हुआ है, दैट इज व्हेन टू कॉइल्स आर प्रॉपरली म्यूचुअली कपल्ड कॉमन मैग्नेटिक फ्लक्स गेट्स लिंक्ड विथ बोथ द कॉइल्स। तो जब हम दो कॉयल्स को म्यूचुअली कपल्ड करते हैं, यहाँ पे हमने जो कपल किया है वो एक सॉफ्ट आयरन कोर की मदद से किया है जो लगभग 100% कपलिंग कर देगा, तो जो फ्लक्स है वो कॉमनली लिंक्ड हो जाएगा। जितना मैग्नेटिक फ्लक्स प्राइमरी के साथ किसी भी टाइम पे होगा उतना ही सेकेंडरी के साथ होगा, राइट। तो इसका सेटअप तो आप देख ही सकते हो, तो इसकी वर्किंग में प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉयल आर वाउंड ऑन अ कॉमन सॉफ्ट आयरन कोर पीस व्हेन इनपुट एसी इज फेड टू द प्राइमरी कॉइल इट विल ब्रिंग चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद इट। Since the two coils are mutually coupled, the same change in magnetic flux will take place with the secondary coil। तो ये इसकी वर्किंग में अभी तक आ रहा है कि प्राइमरी और सेकेंडरी कॉयल को एक कॉमन सॉफ्ट आयरन कोर पे वाउंड कर दिया गया है,
जब हम इनपुट एसी फीड करेंगे प्राइमरी कॉइल में, तो वो उससे चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा प्राइमरी कॉइल में। जो चेंज इन फ्लक्स प्राइमरी में हो रहा होगा, वही चेंज इन फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में होगा। द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस सेकेंडरी विल इंड्यूस ईएमएफ अक्रॉस इट, विच इज ऑब्टेन्ड एज आउटपुट वोल्टेज। तो ये नटशेल में, समरी में इसकी वर्किंग है। तो अब हम इसके फार्मूले बन देखेंगे कि कैसे ये वोल्टेज को अप या डाउन करेगा। सिंस रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस प्राइमरी इज सेम एज रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस सेकेंड। अब तुम्हें हमने वर्किंग में लिखा है क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस पे बेस है, तो जो रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स प्राइमरी के अक्रॉस चल रहा होगा, वही रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स सेकेंडरी के अक्रॉस चल रहा होगा। यानी कि d∅p/dt इज इक्वल टू d∅s/dt, राइट? क्योंकि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स d∅p/dt रिप्रेजेंट द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद प्राइमरी, एंड d∅s/dt इज द चेंज इन फ्लक्स विद सेकेंडरी। और अब हम d∅p/dt को -ep/nsNp लिख सकते हैं, और -d∅s/dt को -es/ns लिख सकते हैं। ये कहाँ से आ गया फार्मूला? बिकॉज बाय फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई। अब हमने फैराडे का लॉ पढ़ा था ईएमआई पे कि इंड्यूस्ड ईएमएफ बराबर होता है -n d∅ by dt। इसका मतलब हम d∅ by dt को -e/n करके लिख सकते हैं, राइट? तो यहां से अगर हम ES का एक फार्मूला बना लें, तो जो वोल्टेज हमें सेकेंडरी के अक्रॉस मिलेगी वो बराबर हो जाएगी ns/np(ep). हेयर NP एंड NS रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी एंड द सेकेंडरी कॉइल राइट? तो ये फार्मूला बन गया कि जो वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी मिलेगी वो बराबर होगी ns/np(ep). द टर्म ns/np इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। और इसमें जो ये ns/np की टर्म होती है, इसे हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। नाउ इफ ns विल बी ग्रेटर देन np, अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल के ज्यादा रखेंगे प्राइमरी कॉइल से जब हम डिजाइन करेंगे ट्रांसफार्मर, तो ऑटोमेटिकली जो सेकेंडरी वोल्टेज मिलेगी वो बढ़ जाएगी प्राइमरी वोल्टेज से, राइट? तो हमने वोल्टेज को बढ़ा लिया, तो इसीलिए इसको कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफार्मर।
कि जो वोल्टेज को अप कर रहा है, बढ़ा रहा है उसकी वैल्यू में। और जल्दी जो रेशो हम रखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशो का, जैसे हमने अगर NS/NP 10:1 रखा है, तो सेकेंडरी वोल्टेज प्राइमरी वोल्टेज का 10 टाइम हो जाएगी। तो इसीलिए इसे ट्रांसफॉर्मेशन रेशो कहते हैं, क्योंकि इसी का रेशो डिसाइड करता है कि कितनी वैल्यू स्टेप अप होगी। लेकिन अगर हम उल्टा करें, इफ NS is less than NP देन ES will be less than EP। लेकिन अगर हम इसके डिजाइनिंग में ऐसे डिजाइनिंग करें कि जो नंबर ऑफ टर्न्स हमने सेकेंडरी कॉइल के रखे हैं वो प्राइमरी कॉइल से कम है, तो वोल्टेज उसी रेशो में कम हो जाएगी, तो तब हम इसे क्या कहते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो इन फार्मूलों से समझ में आ गया कि ये वोल्टेज को अप भी कर सकता है और डाउन भी कर सकता है, और जो फैक्टर या टर्म ये डिसाइड करेगी कि अप कब करेगा और डाउन कब करेगा, तो वो होगी उसकी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, यानी कि NS/NP। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया। अब क्वेश्चन उठता है कि इसने वोल्टेज को तो बढ़ा दिया या कम कर दिया, लेकिन किसकी कॉस पर, क्योंकि वोल्टेज अपने आप तो नहीं बढ़ेगी, किसी को तो उसकी कॉस देनी पड़ेगी। तो हम समझते हैं कि वोल्टेज अगर अप हुई तो इसकी कॉस किसको देनी पड़ेगी। तो हम इसका अभी और फार्मूले बनाएंगे। इफ वी एज्यूम दैट देयर इज नो पावर लॉस, देन अगर हम ये माने कि कोई पावर लॉस नहीं हो रहा है इस पूरे प्रोसेस में, तो क्या होगा, जो हमें आउटपुट पावर मिल रही है अवेलेबल अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल, वो बराबर होनी चाहिए इनपुट पावर फीड टू प्राइमरी कॉइल, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही कहता है कि अगर पावर लॉस नहीं हो रहा, एनर्जी लॉस नहीं हो रहा, तो एक सिस्टम की टोटल एनर्जी सेम रहनी चाहिए। तो आउटपुट पावर अवेलेबल अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल मस्ट बी इक्वल टू इनपुट पावर फीड टू प्राइमरी कॉइल। अब पावर बेसिकली रेशो होता है वोल्टेज और करंट का, यानी कि जो आउटपुट पावर हमें सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस मिलेगी वो ES/IS हो जाएगा, क्योंकि हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा था पावर इज इक्वल टू V इनटू I। तो ES/IS का प्रोडक्ट बराबर हो जाएगा EP/IP का प्रोडक्ट, और ES/EP इज इक्वल टू IP/IS। तो इसका मतलब जो सेकेंडरी वोल्टेज और सेकेंडरी करंट है वो दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। नाउ इन स्टेप अप, इफ ES will be greater than EP, अगर वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट उसी रेशो में कम हो जाएगा। तो यहां से समझ में आ गया कि अगर वोल्टेज बढ़ रही है तो उसकी प्राइस, उसकी कॉस्ट करंट को देनी पड़ रही है। तो एक्चुअली में वोल्टेज को बढ़ाने घटाने का बेसिक पर्पस होता है करंट को बढ़ाना घटाना। तो अगर स्टेप अप में सेकेंडरी वोल्टेज प्राइमरी से बढ़ जाएगी तो सेकेंडरी करंट प्राइमरी से कम हो जाएगा, और जनरली उसी उसी फैक्टर में कम होता है। अगर वोल्टेज 10 टाइम बढ़ रही है तो करंट 1/10 हो जाएगा, राइट? तो जल्दी उसी रेशो में ये कम या ज्यादा हो जाता है। ये हम क्यों करते हैं, ये हम इसके यूजेस में पढ़ेंगे, क्योंकि कई डिवाइसेस, कई ऑपरेशंस में, कई जगह प्रोसेस में हमें हाई करंट की जरूरत होती है, जैसे वेल्डिंग वगैरह में वी नीड अ वेरी ह्यूज करंट। तो हम वेल्डिंग के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। वेल्डर के पास जल्दी एक छोटा सा ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जिससे वो करंट को
कम कर सकते हैं। लेकिन जब हमें बिजली को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिशन करना होता है, लेकर जाना होता है, तो हम स्टेप अप करते हैं, तो हम बेसिकली करंट को बढ़ाना घटाना चाहते हैं। तो ये ट्रांसफार्मर का टॉपिक है। अब हमने ये माना तो कि कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा, लेकिन एक्चुअल में कुछ एनर्जी लॉसेस होते हैं ट्रांसफार्मर में। तो एग्जामिनर पूछ लेता है कि व्हाट आर द एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर्स। तो इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक है कि हम स्टडी करना चाहते हैं कि प्रैक्टिकली कौन कौन से एनर्जी लॉसेस हो सकते हैं ट्रांसफार्मर में। पहला जो लॉस होता है उसे फ्लक्स लॉस कहते हैं। फ्लक्स लॉस मतलब हमने ये एज्यूम किया है कि प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में 100% फ्लक्स लिंकेज हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। देर इज ऑलवेज सम फ्लक्स लीकेज इनटू द एयर। सो कंप्लीट फ्लक्स लिंकेज विद प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉयल इज नॉट पॉसिबल। तो हम थ्योरेटिकली पढ़ तो लेते हैं कि फ्लक्स जो है वो हो गया, लेकिन एक्चुअली में फ्लक्स कॉमन हर बार नहीं हो पाता। तो ये एक फ्लक्स लॉस होता है। सेकंड, कॉपर लॉस। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स आर मेड अप ऑफ कॉपर वायर्स व्हेन एसी करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल्स हीट इज प्रोड्यूस्ड एज लॉस कॉल्ड कॉपर लॉस। तो कॉपर वायर में जो लॉस होता है हीट की फॉर्म में, उसे उसका कॉपर लॉस बोलते हैं। तीसरा लॉस को हम बोलते हैं एडी करंट लॉस। ऑल्दो एडी करंट टॉपिक अभी सिलेबस से बाहर है, तो एडी करंट के बारे में मैंने याद आपको बताया नहीं, लेकिन एडी करंट लॉस क्या होता है? द एडी करंट्स आर प्रोड्यूस्ड इन द सॉफ्ट आयरन कोर विच ऑल्सो प्रोड्यूसेस हीट इन द कोर एज अ लॉस। तो जनरली एक एडी करंट जो कॉप बीच में सॉफ्ट आयरन कोर है उसमें भी एक करंट बनता है ऐसे लूप्स की फॉर्म में, तो उस करंट को एडी करंट कहते हैं और वो भी एक तरह का लॉस है। ऐसे ही चौथे लॉस को हम हमिंग लॉस बोलते हैं। हमिंग लॉस लॉस हमिंग जैसे हमिंग बर्ड एक नॉइस करता है। द साउंड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द वाइब्रेशंस ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर कॉल्ड हमिंग लॉस।
अब जो सॉफ्ट आयरन कोर होता है बीच में, वो एक थिक ब्लॉक का ना बनाकर ऐसे पतली पतली स्ट्रिप्स का बनता है और फिर उन्हें रिवेट कर दिया जाता है। जैसे कभी आपने अगर लॉक देखा हो अपने घर में, जो लॉक लगता है, तो उस लॉक में पतली पतली ऐसे स्ट्रिप्स होती हैं और उन्हें इकट्ठा ऐसे जोड़ा होता है, एक यूनिट बनाया होता है। ये हम इसलिए करते हैं ताकि हम एडी करंट को मिनिमाइज कर सकें। तो हम ऐसे लैमिनेटेड स्ट्रिप्स यूज करते हैं सॉफ्ट आयरन कोर बनाने के लिए, लेकिन और फिर उन्हें ऐसे रिवेट कर देते हैं, मतलब इकट्ठा जोड़ देते हैं जैसे लॉक होता है। लेकिन समय के साथ ये रिवेट थोड़ा ढीली हो जाती है और ये स्ट्रिप्स एक दूसरे से टकराने लग पड़ते हैं, जिससे एक साउंड प्रोड्यूस होता है जिसे हम हमिंग लॉस कहते हैं। जनरली ट्रांसफार्मर पोल्स पे लगे होते हैं स्ट्रीट्स में, तो जनरली आपने सुना होगा कि जब हम किसी ट्रांसफार्मर के नियर बाय खड़े होते हैं नीचे रोड पे, तो एक साउंड आ रहा होता है, तो वो साउंड बेसिकली हमिंग लॉस है। और ऐसे ही तो ये कुछ लॉसेस होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। अब हम लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, यूजेस ऑफ ट्रांसफार्मर, कि ये ट्रांसफार्मर कहाँ यूज होते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स आर जनरली यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ एसी पावर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू अनदर। अब जैसे हमारे पंजाब रीजन में नंगल डैम पे बिजली बनती है, आप सबको पता होगा भाखड़ा नंगल डैम मेजर सोर्स है हाइड्रो इलेक्ट्रिक बनाने का। तो मान लो ये नंगल सिटी है जहाँ पे बिजली बन रही है, मान लो डोमेस्टिक सप्लाई पे बिजली बना रही है 220 वोल्ट और करंट 15 एम्पियर का है। तो ये 220 वोल्ट 15 एम्पियर का करंट आ रहा है या पैदा हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रांसमिशन से पहले एक ट्रांसफार्मर लगा देते हैं जिसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। वो जनरली इस वोल्टेज को लेट से 100 टाइम बढ़ा देगा, तो वो 22 220 वोल्ट को 22,000 वोल्ट में बदल देगा। अब क्योंकि इसने वोल्टेज को 100 टाइम बढ़ा दिया, तो करंट 100 टाइम कम हो जाएगा, यानी कि सिर्फ 0.15 एम्पियर ही रह जाएगा, जिसके कारण इन वायर्स में हीट लॉस बहुत कम हो जाएगा। क्योंकि हीट लॉस का फार्मूला होता है I²RT, तो जितना कम करंट फ्लो करेगा उतना ही हीट लॉस कम होगा। तो हम नहीं चाहते कि तारें गर्म हो जो करंट लेकर आ रही हैं। लेकिन जब ये काफी 100 400 200 300 किलोमीटर पहुंच के किसी सिटी में पहुंचते हैं, जैसे लेटर से हमारे सिटी में पहुंच रहे हैं, ठीक है, मोहाली खरड़ रीजन में पहुंच रहे हैं, तो फिर वहां पे फिर इसकी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है जो इसका उल्टा काम करेगा। वो इस 22,000 वोल्ट को दोबारा से 220 वोल्ट 15 एम्पियर में बदल देगा। तो फिर ये घरों में सप्लाई हो जाएगी। तो जहां से बिजली भेजनी होती है वहां हाई स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं हाई वोल्टेज पे बिजली भेजने के लिए, ताकि हीट लॉस कम हो सके। लेकिन जब वो किसी सिटी के अंदर एंटर करता है, तो वहां का जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड होती है, डिपार्टमेंट होता है, वहां पे वो पहले स्टेप डाउन होती है और फिर वो डोमेस्टिक सप्लाई के लिए ट्रांसमिशन होती है। तो ये इसका एक मेजर यूज है। सेकेंड यूज इन द इंडक्शन फर्नेसेस, जो बड़ी बड़ी फर्नेसेस होती हैं, भट्टियां होती हैं जहां बहुत हीट प्रोड्यूस होनी होती है, वहां पे हम हाई करंट चाहिए तो हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। तो वहां पे हम कौन से ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स टू प्रोड्यूस ह्यूज करंट।
क्योंकि हमें हीट से गर्मी पैदा करके लोहे को मेल्ट करना होता है या बाकी चीजों को वेल्डन करना होता है। इसके अलावा थर्ड मेजर यूज है इन वोल्टेज रेगुलेटर्स। हमारे घर में स्टेबलाइजर लगा होता है जनरली टीवी वगैरह से, तो उन वोल्टेज रेगुलेटर्स में भी हम 4 PV कंप्यूटर्स, तो आप सबने देखा होगा कि एक स्टेबलाइजर लगा होता है हम अपने इन डिवाइसेस को बचाने के लिए, तो उनके साथ भी एक ट्रांसफार्मर लगा होता है एक बक्से में जिसे हम वोल्टेज रेगुलेटर कहते हैं या स्टेबलाइजर, और एक और इन वेल्डिंग पर्पसेस। तो वेल्डिंग वगैरह काम में भी हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। तो ये पूरा टॉपिक हो गया एसी जनरेटर के। तो इसमें से जो लास्ट के मैंने दो कराए हैं एसी जनरेटर और ट्रांसफार्मर, इसमें से जनरली एक क्वेश्चन बड़े 5 मार्क्स में आ जाता है, तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास, एंड दिस आल्सो फिनिशेस द थ्योरी पार्ट ऑफ आवर ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ दिस। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। ओके, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।